ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बोन की ओम शांति वंडरफुल है ना, इसलिए इतने ही प्यार से बोलो ओम शांति। अच्छा अच्छा, आप बाबा को देख खुश होते हो, अपन को देख खुश होते हो, या सभी परिवार को देख खुश होते हो? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? हमारे से कोई हाल चाल पूछे तो मैं क्या बोलूं? पर मैं आप लोगों से हाल चाल पूछती हूं। क्या मुख से बताएंगे, चेहरे से बताएंगे? खुद को देख खुश, बाबा को देख खुश, एक दो को देख खुश, ओके? और कुछ काम तो है नहीं, क्या बोलो? ताली बजाने जरूरत तो नहीं है, सिर्फ खुश करें। देखते हैं बाबा जैसा बनाने चाहता है हमको, अपने जैसा एकदम। जरा भी बाबा में हमारे में अंतर न रहे, ये हमारे अंदर का मंत्र हो। गीता में सुन रहे हो सभी, मेरे अंदर में मन में सभी, यहां अटेंशन प्लीज, यहां ऐसे से नहीं बैठो। ये बैठिए क्या? या प्रताप भाई ये बैठिए क्या? अच्छा अच्छा, मैं कहूं कौन बैठी है? मेरी पुरानी सखी, मैंने समझाई नहीं, अभी ध्यान गया। खुश है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो कभी कोई पूछे खुश है, मैं क्या बताऊं? मेरे से पूछते खुश है, पूछने वाला कौन है? खुश, वो भी खुश, मैं भी खुश। कैसे खुश है? बाबा खुश रहने की जन्म देते ही गिफ्ट दिया है। जैसे कि गिफ्ट माना, गिफ्ट बड़े होके देते हैं। बच्चा बड़ा होगा तो पता चलेगा गिफ्ट क्या होती है, पर जन्म ते क्या दिया है? जन्म किसके पास लिया है? तो मां को बाप को देख बच्ची का चेहरा बड़ा खुश हो जाता है। माँ बाप को देख, मेरे अटेंशन या अपने माँ बाप को देख। बच्चा छोटा होता है बेचारा बेबी, सिर्फ खुश उसमें है माँ बाप को देख। माँ बाप भी खुश होता है, मेरा बच्चा तो कैसा है। प्लेन में बैठती हूँ ना, कईयों के बच्चे होते हैं ना, बस जंप लगा के माँ के पास, बाप के पास जाएंगे, बाप के पास माँ के पास जाएगा। हम भी क्या करते हैं, जंप लगाए मां के पास, बाप के पास, बाप के पास, मां के पास। बाप मेरा कितना अच्छा है, मां के लिए तो अच्छी है। मां प्यार करे तो जंप लगाए बाप के पास, बाप के पास जंप लगाए फिर मां के पास। अरे ये तो मैं तो समझ, जन्म तय को ये खुशी,
ने इतना बड़ा किया है। मैं समझती हूं हम बड़ी कोई समझते उम्र में बड़ी हुई हूं, ना 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 ना, उम्र तो चलो बाबा ने कहा योग से आयु बढ़ती है, मना किसके है तो आयु भले बढ़े काया निरोगी भी हो ना, सदा खुशी हमारे नसीब में है ना, और खुशी बांट रहे हैं ना, बढ़ती रहती है ना, खुशी कभी कम हो नहीं सकती। पहले कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया है पराई, पराई से क्या प्रीत, एक पराई बात उसे पुरानी बात, उसको नमस्ते माना। पराई अभी भी पराई और किसकी पुरानी बात। मैंने देखी बोली मैं कौन हुई, मैं कोई ही नई दुनिया में ले जाने वाला बाप, हमारी जीवन की यात्रा जहां से शुरू हुई है अंत तक पहुंचाने वाला बाप, सच के नया में बैठे है बेरा पार करने वाला बाप, फिर हम फलान झूठ बोलता है तुम क्या समझती हो, अरे ये क्वेश्चन होता है मेरे से, ये क्वेश्चन पूछेंगे भगवान के पास, उस बात का न्याय है, हमको सोचने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वान परस्त अवस्था में जाना है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के जब वान परस्त अवस्था हुई तब उसमें आया, तो उस टाइम में मामा तो जवान थी, चलो बाबा बुढ़ा था, वान परस्त अवस्था तक 60 साल तक पहुंचा था, मामा तो 17 साल की थी, मैं समझती हूं। फिर पुरुषार्थ में मम्मा आगे कैसी चली गई, वंडर था, वंडर एकदम। बाबा ने सिर्फ कहा कृष्ण की राधे बनेगी, राधे नाम था मम्मा का पहले, कृष्ण बस। इतना वंडर, मुझे पता है मामा की सगाई भी की हुई थी जिसके साथ कोई मैं कुछ जानती थी, बेचारे को जब लगा ये क्या हो गया, क्यों एक सेकंड में फैसला हो गया मैं तो कृष्ण की राधे बनेगी। इतनी जीवन गंभीरता से ज्ञान को इतना अंदर से खींच लिया, बाबा की दृष्टि से मामा में रूहानियत आ गई, शरीर के भान से चली गई, मामा का चलना फोलना स्कूल में बड़ा फैशनेबल था, एकदम बदल गई। तो कल से बोल बाबा की दृष्टि से, दृष्टि किसको दी है बाबा ने, आत्मा को दी। और रोज बाबा मूली में समझाते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, हर रोज मूली में कहता है, शुरू से ही अभी तो स्पष्ट शब्दों में बताता है, शुरू से ही बाबा थोड़ा भी बोले
जैसे आत्मा को वो सुन करके बाबा के बोल कानों में जाते ही वो बोल बड़े सब बातों को देह संबंध दुनिया के आवाजों से परे ले गए। तो अभी भी मैं कहती हूं ये क्यों बता रही हूं, मुझे कहते हर बात में तो अपना अनुभव क्यों शुरू करती हो, मैं कहती हूं मैं क्या कहूं, अनुभव ये है जरा भी हमारे अंदर अभी तक भी मान अपमान की फीलिंग आती है, मान मिलता है तो ठीक चलता है, अपमान नहीं भी कोई करता है पर तुम फीलिंग जो है ना अच्छी कहां से लेते नहीं है, मिलती नहीं है, अगर मिलती नहीं देते भी क्या है। अच्छी फीलिंग लेने वाला देगा क्या, वही देगा जो अंदर होगा, जो दिल में है मन में है वही मुख पर होता है, ये छिपता नहीं है। अपने दिल को साफ रखना, मन को शांत रखना, बुद्धि को जो आज स्लोगन में था स्पष्ट रखना, बुद्धि स्पष्ट है, कोई मुंझारा नहीं है, अपने बुद्धि से पूछती हूं। बुद्धि भगवान ने, फिर भगवान ने जो आज बाबा मन बुद्धि संस्कार, भगवान ने मेरी बुद्धि को ही अपने तरफ खींच लिया, बुद्धि कोई बात नहीं जाती नहीं है, कितना धन्य मेरा भाग्य। जाती नहीं है और मैं साखियों को देखती हूं, बुद्धि कहेंगे बड़ी चंचल है, एक सेकंड में इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर ऐसे ऐसे घूमती रहती है, सेकंड भी बुद्धि को ऐसे देखे शक्ति लेवे, वाह 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 वाह, कोई बात नहीं, ये बात है कोई बात नहीं, बात है नहीं, क्या बात करो, अब शरीर देखे कोई बात नहीं, फलानी बात हो रही है देख, तुम देखते हो तो तुम देखो, अरे ये कान आंख मुख यही मेरे मित्र है, यही मेरे दुश्मन है, कहीं कहते फलाना ये हो रहा है फलाना ये, चलो ये जो देखना बोलना सुनना लिखना बताता है, आपस में बातें करना बताता है ये कौन है, बाबा के बच्चे है, जिस बाबा के यज्ञ से यज्ञ स्थापन किया है बाबा ने, आज पता नहीं किसके मुख से सुना या बाबा के मुरली पर, मुझे याद नहीं है, आपने बच्चों ने बाबा के भंडारे में डाला, बाबा के भंडारा बाबा का डाला बच्चों ने, फिर बच्चों ने भंडारे में डाला, जिन्होंने फिर ब्रह्मा भोजन बनाया, जिन्होंने खाया, कितनी अच्छी लाइफ बन गई, भंडारे में डालने वाला बाबा का भंडारा है, भंडारे में डालने वाले की जमा हो गया कमाई हो गई,
बना के खिलाने वाला, अरे परसों भंडारियों से मधुबन में नीचे बैठी शांतिवन में, अरे जो भंडारी है ना भंडारी में, भंडारे में खाना बनाने वाले, उन जैसी खुश नसीब कोई नहीं है। सदाई भंडारा में प्यार से बना के खिलाने वाले कभी थकेंगे नहीं। जैसे हमारी भोली दादी कभी थकित हो रही, हमारी हरदेव भंडारी थकित हो रही, इतने यज्ञ को प्यार से पाला संभाला कैसे अच्छा बना के खिलाया, जो कभी नमक कम न हो ये न हो खाना। तो भी आज कौन है हमारी नाम मुख पर कम आता है, क्या करूं सबका नाम नहीं आता है मुख पर। मैंने कहा तुम कितनी खुश नसीब हो रोज बाबा के कमरे में बैठ करके भोग लगाने के लिए, कितनी उन्नति हुई है। पंकजा बोला, पंकजा नाम याद आता है, कितनी उन्नति हुई है। रोज सब थाली लगा के मैं देखेंगी जाकर बाबा के कमरे में भोग लगाएंगे। मैंने अनुभव किया है, भोजन बनाने का भी अनुभव किया है, भोग लगाने का भी अनुभव किया है, भोजन खिलाने का भी अनुभव किया है, खाने का भी अनुभव किया है। पहले खाना पीछे, और फिर कोई कुछ कहे हाँ भंडारे में डाल दो, तो सारी उम्र मरने तक बाबा खिलाएगा। तो इन भंडारे में जो डाला है ना उसको कभी कमी महसूस नहीं होंगी। अंत मते अंत तक बाबा के भोजन उसके मुख में जाएगा, को और का पकाया हुआ जाएगा भी नहीं, क्यों भंडारी का महत्व है। शिव बाबा का भंडारा सर, ये भंडारा नहीं है, ये भी भंडारा, पहला ये भंडारा फिर ये सब भंडारा। ओम शांति भवन कहां से बना, बैठेंगे कहां, खाएंगे कहां। पहले छोटा सा भंडारा था यहां पांडव भवन में, यहां टोली डिपार्टमेंट है वहां नहीं जाए, वहां छोटा सा भंडारा था। कितना बड़ा भंडारा, कितना बड़ा भंडारा पांडव भवन, कितना बड़ा भंडारा, कितना खिलाने वाले खाने वाले, डाइनिंग रूम कितनी बड़ी, अभी बढ़िया बढ़िया और बढ़िया बनता जाता है। ये सब जितनी बाबा की महिमा करो उतनी भंडारी की महिमा करो, तभी ये भंडारी ठीक है। ये भी भंडारी है, ज्ञान रत्नों का भंडार। इसमें कभी कोई न यहां या न यहां कोई खराब बता नहीं सकती, भले कोई टेस्ट लेवे, लेकिन कोई हर्जा नहीं। जिसका काम है भले करे, पर मेरे को जो भगवान ने धीरज शांति प्रेम भावना से सेवा करने की जो भाग्य दिया है, धीरज शांति प्रेम से सेवा करने का भाग्य मिला हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर। कितना हमको नशा, कल देखा रामदेव स्वामी के सामने नशा था, भले वो भले कितना भी सेवा करे, किसने देखा रामदेव स्वामी के सामने है? कितना नशा है? भले वो स्वामी है ऐसे ठीक है, आखिर भी हम किसके बच्चे हैं? यज्ञ के सेवा भी कर, सेवा करके खाया है, मुफ्त में नहीं खाया है।
मुफ्त में नहीं खाया है, तो मैं खाना भी गिनती शुरू से लेकर के जब से जगह में आई हूं आज दिन तक गिनती करेंगी शिवा क्या की खाना कितना खाया। यज्ञ का दाना दाने पर मुहर है, ऐसे नहीं है मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मेरा अच्छा लगता है, बड़ी भूल है। तो कई निशानियां हैं, समझदार जो बाबा के बच्चे होंगे ना, समझदार जो बच्चे होंगे ना, उनके बोल में दृष्टि में बाबा, बाबा का यज्ञ, ईश्वरी परिवार, संगम युग, कितनी बाबा की बातें करें। तो कल शाम को सारे सार क्लास का ये था, बाबा ने हमको प्यार बहुत दिया है, हर एक किसी ने अनुभव न किया है तो उसका भाग्य जाने, और न किया है तो मैं कहेंगे आज भी प्यार ले बेबे बाबा से, आज भी ले ले बे, सब समझे मेरा बाबा है, अगर मेरा और कुछ है तो बाबा क्या करेगा। हाँ बच्चा सब कहे बाबा बाबा आप ही मेरे, नबी कहे पर उसके अंदर भावना ऐसी हो बाबा जैसा कोई नहीं है, तो रिटर्न इतना प्यार मिलता है तो बच्चा फिर थोड़ा समझदार होता है तो आज्ञाकारी बनता है। बस जो बोला बाबा मां के रूप में सुबह को जगाता है, उठ के बाप की याद में बैठ, उठ बाप की याद में बैठ, हाँ तो मां खुश हो जाती है, बच्चा प्यारा में बाबा की याद में बैठता है, ऐसे नहीं लाल बत्ती बंद हुई उठ के खड़ा हो गया, आया चार बजे सवा चार साढ़े उठ चले गए। अच्छा अरे मां कहेंगी करता क्या है, या जगाए फिर सो जावे, तो मां सुबह को जगाती तो बेटा अच्छा जल्दी तैयार हो जाओ स्कूल में जाना है तुमको, हाँ हाँ रेडी बोले सुबह चला जाता है। तो बाबा हमेशा कहते थे मेरे पांडव भवन का कमरा, बच्ची चलो बाबा को लेके आता हूं, उसका जो बाबा शिकल होती वंडरफुल होती थी, क्लास में चलो आता हूं, कैसे बाबा को लेकर के आता है। तो जब बाबा अव्यक्त हुआ दीदी बाबा को लेके शाम को योग करने आती थी, एक्यूरेट ऑफिस में बैठी है और अमृत वेले दीदी एक्यूरेट। मैं विदेश में गई तो भी मुझे पता था 3:30 दीदी उठेंगी, 4:15 बाथरूम में होंगी, 4 बजे योग में बैठी हुई होंगी, उसी अनुसार फोन करती थी। तो जो हमारे बाबा ने मम्मा ने दीदी ने दादी ने, और आजकल बाकी भी मुझे अंदर धुन लगी है, जब गुर्जा दादी में दादी आई, दादी से पूछा बाबा दादी ने क्या करते हो आप, अमृत वेले सदा हाजिर होते हैं, अभी पक्का हो गया सब जो हमारे पूर्वज है अमृत वेले
जहां भी होंगे अमृत वेले बाबा की तरफ खींचेंगे, क्यों सेवा का संस्कार भरा हुआ है ना। पालना ऐसी दी है ना, तो जहां भी होंगे ना ये वायुमंडल। तो अभी हम क्या कर रही हूं, मैं अपने से पूछेंगे, दादी दीदी तो ये कर रही है, सब हमारे ये कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूं। बाबा अव्यक्त तो करके यहां साकार में अव्यक्त तो हो रहा था, दिखाई पड़ता था, है ही नहीं यहां। एक सेकंड बाबा आगे जाओ ना, शरीर बना देंगे। तो ये बताया, जब पहले प्यार देता है तो बच्चा आज्ञाकारी होता है, अच्छा पढ़ता है, दिन में होमवर्क करता है, शांति से कर्म योगी होकर के सेवा करता है, वो कौन है? वफादार, ईमानदार। कभी भी कोई बात के बीच में उसने अपना रिकॉर्ड खराब नहीं किया, फालतू बोल चाल में उनका क्या हाल होगा वो समझे, उसमें हमारा कुछ नहीं है। पर साखी होकर के देखते हैं ऐसे बाबा के प्यारे जो आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, उनको क्या करता, आशीर्वाद देता है। तो कल जैसे वरदान दो, नहीं वरदान मांगने से नहीं मिलेगा, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलेंगी, ऑटोमेटिक ईश्वर स्वयं परमात्मा आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार को, कोई कोई को अनुभव है, मैं समझती हूं कोई कोई को अनुभव है, कईयों को नहीं है। ये बड़ी गुप्त बाबा की आशीर्वाद है। बाबा के सिर, हमारे सिर पर बाप का हाथ है, पीठ पर भी हाथ है। कोई बाबा के बच्चे थे, अनन्य बच्चे, बड़े अच्छे, जो अच्छी सेवा में बहुत आगे बढ़े थे, तो नाम नहीं लेती हूं भी। उस बाबा के बच्चे ने शरीर छोड़ा, तो बाबा कहता है अपने खर्चा पर, बाबा का बैकबोन चला गया। मैंने कहा बाबा कहते बाबा का बैकबोन चला गया, यानी इतना बाबा को उसके लिए अंदर, उस सेवा भी इतनी की थी थोड़े समय में, बहुत अच्छी की थी। जब बाबा ने ये कहा, मैंने कहा कितना भगवान को बच्चों का कद्र है, हमारा बैकबोन कौन है? पहले रवाज था सिंध में, तो अभी पता नहीं, जब कोई बच्चा सेवा पर जाप पर जाता था विदेश में, पीठ को हाथ लगा देते हैं, सिर को नहीं, पीठ को, तो देखें मेरा बैकबोन कौन है। अगर ऐसे अनुभव लाइफ में नहीं है, तो जो उतराई चढ़ाई आती है, कोई उतारता है तो उतर आते, हम क्यों उतरे? हमको भगवान ने, मेरा बैकबोन वो बैठा है, उसको फिर क्या मिलता है? वरदान। बच्ची हो जाएगा बाबा ये का, बच्ची हो जाएगा ये झोपड़ी में, जो बाबा ने मीठे मीठे बाबा ने बोला, बाबा ये बात बच्ची हो जाएगा, ये बाबा झोपड़ी में जो बोल उच्चारण किए है, वो सीन जो थी, बाबा छोटा मकान है हो जाए, आज दिन तक हो जाएगा। जहां भी सेवा पर, अभी महाराष्ट्र की सेवा पर गई, वंडरफुल महाराष्ट्र सेवा, कुछ नहीं था, क्या से क्या सेवा भर गई है,
नारायण गांव गई, एक दिन में तीन शहरों में गई, सुबह एक जगह, दिन में दूसरी जगह, शाम को तीसरी जगह। 1500 लोगों को इकट्ठा करके नारायण गांव वालों ने दिन के टाइम में हाल बन पेंडल बनाया, हाल बनाया था उनका, भोजन बनाया था, एक घंटा तीसरे सब मिलने में, बच्ची हो जाएगा, सारे विश्व में सेवा हो रही है, बच्ची हो जाएगा। किस कैसे हुआ है वरदान? वरदान में फिर ये एक सूक्ष्म बात है, वरदान किसको मिलेगा? सेकंड में शरीर बन जाओ, करंट मिलती है बाबा से, जैसे बिजली को हाथ लगा करंट आ गई, मर गया, जो जाएगा वो भी ऐसे हो जाएगा जो हाथ लगाएगा। ऐसे बाबा ने अशरीर बनाने की सेकंड में, और भी आवे ऐसे हो जावे। तो मैं अंदर देखती हूं, अभी भी मेरे सामने बोलते बहुत है। मैं चाहती हूं ये ऐसे जो बाबा से करंट मिली है अशरीर होने की, तो बताया है एक बार झोपड़ी में कहा तुम्हारा योग ठीक नहीं है, मैं तो अटेंशन तो रखती आ रही हूं बहुत, फालतू बात न सोचू न बोलू, योग ठीक नहीं है। तो मैं एक सेकंड क्या किया बाबा ने, इतना साइलेंस में गया, इतना डीप साइलेंस में गया, मैं एक घंटा हिली भी नहीं, दृष्टि भी नहीं दे रहा है, अंदर से मैं अनुभव करा रहा है। अस्थरी तो ये जैसे परमात्मा प्यार से अंदर से करंट दे करके अशरीर बना दे, ये बताने का मतलब ये है। अभी समझ, अभी ऐसे भी आत्माएं, भी नई नई आत्माएं ये बातें कैच कर रही है, पुराने नहीं करते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातों में समय गंवाने की आदत छूटी नहीं है, व्यर्थ सोचने की बात छूटी नहीं है। पर आज एक नई बहन यहां से होके जो उर्वशी गई है, क्वेश्चन पूछती है मुझे, बताओ प्रेयर और मेडिटेशन में क्या अंतर है, बाबा से कैसे योग लगाया जाता है। बड़ा अच्छा जवाब लिखवाया मैंने उसको, बड़ी उसी में है, इतना जो यहां से सीखी हूं प्रैक्टिकल जीवन में मेरे आवे। अभी जिसके अंदर दिल में एकदम ये लगाओ, मुक्त होकर के इसी लगन की अग्नि होगी ना, भगवान अनुभव कराता है। कोई भी बात से लगा नहीं, मैंने ये सेवा की है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, तुमने क्या किया है? भाग्य से कोई स्थान मिला सेवा की, अभी भाग्य, अभी जो भी सेवा सामने है ना भाग्य है। मैं कौन, जब मैं बोलते हैं ना तो संभल के बोलो, मैं बड़ा संभल के मैं बोलो। रावण ने मैं बोलने में सारा अपना बना लिया, सारा रावण ने अच्छी चराई गई, अच्छा हमको अपना बनाया। अभी बाबा ने इतना छुराया है, वो पीछे पर छोड़ेगा थोड़ी, मैं भी समझू ना,
अभिमान से फ्री होकर के कितना बाबा काम करता है, मैं अभिमान को छोड़ू तो बाबा अपने आप किसी न किसी को प्रेर के सारा अपना काम कराता है। मेरे लिए भी मुझे कुछ करना नहीं है, अपने आप माइक उठाने रखने वाला आप ही करता है, उठाने वाले आप ही उठाएगा, टोली बनाने वाला आप ही बनाएगा। और टोली बना के बड़े प्यार से दी, अरे इतना क्यों देते हो, मधुबन जा रही हो ना, ऐसी टोली यहां कभी नहीं खाई होंगी, मुझे क्या करना है, सिर खिलाना है। बिल्कुल सिंपल बातें हैं, सिर्फ तो करंट की बात सुनी ना, पर ऐसे बच्चों को करंट से असर ही से करने में ये अभी अनुभव करो, पहले प्यार फिर दुआ फिर वरदान तो करंट, फिर क्या मिलेगा, सकाश अंदर ही अंदर बाबा। जैसे हमारे अंकल जब से ऐसा जैसे देवता बैठा हुआ है शरीर में है, उनके जरिए अनेकों को सकाश मिल रही है, ऐसी स्थिति अगर मैंने अपनी बनाई तो बाबा तो खुश होगा, मदद करेगा, न बनाई तो बाबा क्या करेगा। ईश्वर आप भी क्या करेंगे, कोई मदद नहीं करेगा, भले कितना भी मुझे दादी दादी कहेंगे अंदर से नहीं कहेंगे, ऊपर से कहेंगे। मैंने कभी दादी समझाई नहीं अपन को, अभी प्यार से कोई कहता है जैसे कल रामदेव का, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरा भाई हो, अच्छा काम कर, हाँ ये कर, अच्छा करेगा ना, अच्छा कर, ऐसे अंग दिखा तो सकती हूँ भाई को, अपना स्वामी बना नहीं दिखाना। जो बाबा क्या जो काम है ना वो करके दिखाऊंगा, लाखों को सब सब आदतें छुड़ाऊंगा बाबा। तो ने देखा वो फोटो रखा है, मैंने बाबा के आगे फोटो निकलवाया, बाबा कराता है। तो खाते पीते चलते उठते बाबा, खर्चा है कुछ, ये समय बाबा के लिए बाबा को दिल में बिठाने के लिए जो समय देते हैं, तो बाबा भले सबके दिल में जाए मेरी खुशी है, पर मेरे दिल को नहीं छोड़ेगा। चेतन दिल वाला मंदिर ये है उसका, आज बोला वो जड़ दिल वाला मंदिर है, ये चेतन दिल वाला मंदिर है। यज्ञ में भाषणा उसको आएंगी, ये दैवी ये दिल वाला मंदिर में बैठी हुई हूं जिसके दिल में बाबा है। और कोई बात दिल में अकली नहीं है ना, तो मुझे त्रिवेंद्रम में एक बहन कहती है, ऐसे बहनों से भाइयों के मुझे बोला बहन भाइयों से बैठो, फिर कहा बहनों से बैठो, मैंने कहा अच्छा भाइयों से भी बैठ, जो मददगार भाई अच्छे थे, फिर कहा बहन। तो बहन एक कहती, मैंने कहा तुमको कुछ बताना है मेरे को, मैं तो बताती हूँ, कहा मैं एक बात सुनाती हूँ, जब भी तुम विदेश जा रही थी तब मैं ज्ञान में आई थी, मैं बैठी थी बाबा के सामने, बाबा ने तुमको कहा, मैंने कहा बाबा विदेश में क्या करेंगी जाकर, बाबा ने कहा मधुबन को लेके जाओ, बाबा ने कहा था मधुबन का मॉडल बनाना, वो मैंने देखा तुमने ये किया। मैंने कहा अच्छा, देखो भगवान के माँ बाप हुए ना, जो मैंने आपको बताया जब वहां प्रोग्राम बड़ा हुआ था, तो जितने भी बाबा के घर है वहां सब में बाबा के घर गई थी, बाबा के घर
हर बाबा के घर में, बाबा के पास बैठने में, हर एक में अच्छा अनुभव हुआ था, बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। जो रात को प्रोग्राम में वो अनुभव औरों को होने लगा। फिर दूसरी बहन कहती है, मैं बताती हूं एक बात, जब दादी अव्यक्त हुई तो बाबा ने तेरे को कहा तुमको कोई टेंशन तो नहीं हुआ है, तो मैंने कहा बाबा आपने सिखाया ही नहीं है ना, मैं क्या करूं। कहा मेरे को अच्छा लगा। देखो अभी चलते फिरते कई बहनें भाई, कहा मेरे को अच्छा लगा, तुमने कहा मुझे टेंशन का, अकली बाबा सिखाया ही नहीं है ना आपने। जब बाबा कोई टेंशन नहीं, मेरे को काय कहूंगा, खुद करने वाला बैठा ऐसे टांग टांग चढ़ा के बैठा है, हाथ ऐसे के खड़ा है, या हाथ आगे है या पीछे है, मैं कुछ नहीं करता। तो हम बच्चे क्या कहेंगे, मैं करता। अरे वो कौन है करने वाला, तो मैं कहने वाला कौन, मेरा कहने वाला कौन ना, अभी नहीं बोले टोली खिला रही, अभी नहीं बोले, मेरा कहने वाला कौन, मैं कौन कहने वाला कौन। इसलिए प्लीज जब मैं बोलो संभल के बोलो, मेरा संभल, मैं अभी नहीं बोलने चाहती हूं, अब स्वयं समझ जाओ ना, तो फिर क्या बन जाएंगे, जैसा बाबा कहता है ब्राह्मणों में शक्ति भरता हूं। इतना अच्छा लगा परसों, ब्राह्मणों में शक्ति कहां से आई, क्या थे, कितना कच्चे। आज मुझे ऊपर से आते कई घरी घरी ये झाने देखे, ये देखे कहा 10-15 लोग खड़े थे, इतनी बांस आने लगी, इतनी बांस आने लगी, बात में पूछो, मैंने कहा लोगों में और हमारे में कितना फर्क है। रोज शुद्ध आना खान के, रोज स्नान पानी करके, अच्छे सफेद कपड़े पहन के कितने शुद्ध हो गए हैं, कितने शुद्ध, कितने श्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा। थोड़ी भी युद्ध वाली शिकल खित्री आत्मा, और खित्री जब खित्री से बात करेंगे ना, वही बातें करेंगे, खित्री ब्राह्मण नहीं करेंगे। तो ये भी ऐसे अच्छी अच्छी बातें, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं ना, क्या समझा है भाई। ब्राह्मण आत्मा शशि बहन ठीक है। अच्छा आज रात को अभी मैं ज्ञान सरोवर जाएंगी, अमृत वेला वहां करेंगी, सुबह को मूली भी वहां सुना लू। आहा पर कल शाम का प्रोग्राम, फिर जो प्रवीण बहन पूछे ना क्या प्रोग्राम है, फिर जो होगा देखा। पर आज अभी ओम शांति भवन में जो अभी हमारा रुअरियान हुई, चिटचैट हुई, दिल की बातें जो सही है आप लोगों के सामने सुनाई, वह भरे को अंदर अपने आप को ऐसे देखना है बस, और कुछ काम नहीं है, अपन को देखना है सिर्फ ऐसे, पर बाबा को देख, अपन को देख, बाबा को देख, अपन को देख, बाबा को देख, आखिर क्या हो जाएगा, बाबा जी बच्चा ओके मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूं, जहां भी है तो मैं तुम्हारे हाजिर हूं, ओके ठीक है जैकी, ओके हाँ बैकी ओके ठीक है, ये सब अच्छी बैठी है हा? मधुबन में रिफ्रेश होने आए, कभी इनके अनुभव बताना। ओम शांति।